डॉक्टर नवल किशोर, पूरे विपक्ष को खारिज कर दिया गया। बिहार में आप बैठे हुए मोर्चा संभालने के लिए, आपका नाम नहीं, और चुनाव हो गया। बिल्कुल, अगर होता है, ये होता है या नहीं होता ये अलहदा विषय है, होता है तो किसको नुकसान होगा ये भी अलहदा विषय है, लेकिन तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सब एक झटके में खारिज हो गए क्या? इंडिया गठबंधन खारिज हो गया क्या एक झटके में? डॉक्टर नवल, आवाज आ रही है मेरी? आप? हाँ, आ रही है आवाज, एक बार फिर बोल दें। इंडिया गठबंधन क्या एक झटके में खारिज कर दिया गया देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, क्योंकि चुनाव मोदी बनाम राहुल? देखिए, अमित शाह जी को यह पूरी तरह पता चल गया है, भली भांति पता चल गया है कि जो इतने दिनों से भ्रम फैला रहे थे पूरे देश में कि सबका साथ सबका विकास और तमाम तरह के मुद्दों पे जो झूठ बोले हैं, उसका अब अंत समय आ गया है। और वो उनको दिख रहा है कि जो जिस लोकप्रियता के आधार पे, जो वास्तव में निर्मित एक भ्रम था, वो वास्तव में लोकप्रियता नहीं था। जब वो बोल रहे थे, जो लोकप्रिय कब हुए थे आपको ध्यान होगा कि जब वो बोल रहे थे 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष लोगों को देंगे, युवाओं को देंगे, तब जाकर वो प्रचलित हुए। जब उन्होंने बोला कि 15 लाख रुपए सबको देंगे तब प्रचलित हुए। जब उन्होंने बोला किसानों की आय करेंगे दुगनी तब प्रचलित हुए। जब उन्होंने बोला कि सबको आवास मिलेगा 2022 तक तब प्रचलित हुए। जब वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं तब प्रचलित हुए। जब घृणा फैलाते हैं अपने बातों से तब प्रचलित हुए। अब जो सारे बात है वो खुलकर सामने आ गई है, अब कोई झूठ बचा नहीं है। नहीं नहीं, एक सेकंड डॉक्टर नवल, डॉक्टर नवल मुझे ये बताइए, डॉक्टर नवल आप एक प्रदेश में झंडा बुलंद कर रहे हैं विपक्ष का, और आपका नाम लड़ाई में ना हो और ये पूरा नैरेटिव बदल जाए राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, तो आप लड़ाई में खड़े नहीं दिखे ना फिर तो? डॉक्टर नवल किशोर, गरिमा जी, मैं तो देश का झंडा बुलंद कर रहा हूँ। हाँ। देश की आवाज बुलंद कर रहा हूँ। जिस नौकरी की बात करके नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को धोखा दिया, हमने एक राज्य में मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरी देकर और 3 लाख नौकरी का व्यवस्था करके पूरे देश में मुद्दा को चर्चित किया। आप कैसे कर रहे हैं कि हम एक राज्य में है? नहीं तो आप जो इंडिया की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं डॉक्टर नवल, उस इंडिया का एक साझा मैनिफेस्टो नहीं है तो इंडिया बचा कहाँ? ये इंडिया की सरकार बनाने का दावा करते हैं ना आप? राहुल गांधी भी यही कहते हैं, जीते तो इंडिया की सरकार बनेगी, जिसका मैनिफेस्टो तक नहीं। नहीं, आप ये बताइए कि हर एक टीवी चैनल की डिबेट के अंदाज अलग अलग होते हैं। हाँ। आवाज अलग अलग होते हैं। यहाँ पर कई सारे राजनीतिक दल हैं जिनकी अपनी पहचान है, लेकिन जिन मुद्दों पर बात करते हैं उसमें अनेक सिमिलैरिटी है, 100% कभी सिमिलैरिटी नहीं हो सकता है। अलग अलग दल है, अलग अलग स्थान पे है, अलग अलग लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की हमारे भारत की पहचान है। हाँ। वहां के स्थानीय मुद्दों को भी रेज करते हैं, लेकिन समानता ये है कि हम विभाजनकारी राजनीति को रिजेक्ट करते हैं। हाँ। हम वैसे लोगों के राजनीति को नहीं मानते हैं जो देश में समाज को बांटते हैं। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर नवल, ये बताइए 19 में राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हुआ और नतीजा आपने भी देखा और हमने भी देखा, चौकीदार चोर है का नैरेटिव जिसे कांग्रेस ने कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल किया, उसे बीजेपी ने लपक लिया। तो अगर इस बार 2024 में, नहीं मैं ये बड़ा हाइपोथेटिकल हो सकता है लेकिन सवाल जायज है, अगर ये लड़ाई चेहरों पर आती है और खासतौर से दो चेहरों पर, तो किसका नुकसान और किसका फायदा? देखिए, पहली बात तो गरिमा जी, 2019 की लड़ाई राहुल बनाम मोदी नहीं थी, वो पुलवामा और बालाकोट था। ये देश का एक एक समझदार राजनीतिक व्यक्ति इसको मानता है। उसके बाद भी विश्लेषण हुए, उसके बाद भी विश्लेषण हुए। एक बार भारत की जनता ने, जब कोई बोलेगा कि राष्ट्रवाद, और उस समय आपने देखा होगा किस तरह सैनिकों का इस्तेमाल किया गया लोकप्रियता बनाने के लिए। जब आप राहुल बनाम मोदी की बात करते हैं तो हम तो किसी व्यक्ति बनाम व्यक्ति की बात ही नहीं करते हैं। इंडिया गठबंधन का नारा क्या था? जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत। जुड़ नहीं पाया ना लेकिन इंडिया, डॉक्टर नवल ये भी सवाल आता है क्या? नहीं, बिल्कुल जुड़ पाया। अगर आप मानते हैं कि नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन टूट गया, ये भ्रम है, क्योंकि जो नीतीश कुमार के जाने से बिहार में जो राजनीति है विपक्ष की, वो मोदी के तुलना में बहुत मजबूत है। और पूरे देश को ये पता चल गया है कि यहाँ पर मोदी जी को सबसे बड़ी हार होने वाली है। 39 में काउंटिंग भूल जाएंगे वो। चलिए ठीक है डॉक्टर नवल, घनश्याम तिवारी ये